देखिए, दर्शकों ने प्यार दिया है मुन्ना के रूप में, और वही प्यार मैं चाहूँगा दर्शक मुझे मजनू के रूप में दें। ये एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की एक सोच है कि मुझे मजनू के रोल में वो फिट समझ रहे, तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे लिया, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दर्शकों के प्रति खरा उतरूँ। देखिए, ज़्यादा तो कुछ नहीं बताऊँगा कहानी के बारे में, लेकिन ये ज़रूर होगा त्रिपाठी जी, मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो एक लव स्टोरी सिंगर हो। बिल्कुल बिल्कुल। निशा जी नजर आएंगी आपके साथ, निशा उपाध्याय। हाँ, वो इस समय लोकल अपने बिहार की बड़ी सिंगर हैं इस समय वो, और मेरे साथ यहाँ डेब्यू कर रही हैं। मुझे प्रोड्यूसर ने बताया उनके बारे में, मैंने भी देखा है उनकी उनके गाने सुने मैंने, काफ़ी अच्छा गाती हैं, और मैं चाहूँगा दर्शक इस जोड़ी को पसंद करें। देखिए, मजनू जिस तरह आपने मुन्ना को प्यार दिया और मुन्ना जैसा मुन्ना लगा, आप लोगों ने कहा कि मुन्ना को बखूबी जिया है, तो आपके सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मजनू भी उसी तरह से आप पसंद करेंगे और मजनू का कैरेक्टर भी उसी तरह जिया जाएगा। रियल लाइफ में शमीम खान किसी के मजनू रहे श्रीदेवी को छोड़कर? श्रीदेवी के रहे श्रीदेवी के तो रहे हैं, और हमारा इंटरव्यू हमारे इन्होंने ही, आनंद जी ने ही किया था, और उसी के बाद से मेरी माँ भी उनकी इतनी बड़ी फ़ैन थी कि मेरी माँ भी उसी समय उसी सदमे से बाहर नहीं आ पाई, और 3 महीने कंटिन्यू इलाज कराने के बाद में भी उनकी डेथ हुई, तो वो 3 महीने मैंने झेले हैं, और श्रीदेवी का दुख तो मेरे अंदर है और शायद हमेशा रहेगा। देखिए, किसी को नहीं खोया, मैंने अपनी माँ को खोया है, तो वो किसी नहीं हो सकते, मैंने अपनी माँ को खोया है, और अपनी माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मतलब करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। अब ये मेरे हिसाब से मेरी दूसरी इनिंग है जो मैंने 4 महीने दिए हैं, अब 4 महीने के बाद मेरी बॉडी पे मेरे फिजिकल जो भी मेरी मेहनत है, इसलिए मैंने डायरेक्टर से कहा कि मुझे कम से कम सितंबर तक का वक्त दीजिए ताकि मैं पूरी तैयारी कर सकूं, और मजनू अगर बन रहा हूं तो लोगों के प्रति मजनू बन के दिखाऊँ। सेप्टेम्बर में शुरू होगी रिलीज, वही जैन और फैब में होगी। कोई खास तैयारी मजनू को लेकर करना चाहते हैं? बिल्कुल, तैयारी मेरी पूरी चल रही है और मैंने तैयारी कर भी दी है। अशोक अत्री त्रिपाठी जी से डायरेक्ट करेंगे, कुछ कहना चाहते हैं उनके बारे में जो आपने सुना हो, उनके बारे में, उनके निर्देशन के बारे में? नहीं, जब मैं सॉरी रेडी कर रहा था तो मेरे साथ में थे वो, और मैं उन्हें जानता हूँ, और बहुत ही अच्छे सुलझे हुए डायरेक्टर हैं वो, और उन्होंने ये जो फिल्म बनाई बैरी कंगना 2, तो मैंने ट्रेलर देखा है, सभी लोगों को पसंद आया है, ऐसा नहीं कि मुझे पसंद आ रहा है, मेरे डायरेक्टर हैं, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। अब ये दुर्भाग्य है कि सही समय पे पिक्चर रिलीज़ नहीं हो पाई, ये 3-3 डेटें गई हैं, लेकिन डायरेक्टर का काम है, उन्होंने बखूबी किया है, और मुझे लगता है जब भी फिल्म आएगी मेरी दुआएँ हैं कि फिल्म चलनी चाहिए। आपकी आने वाली और कौन कौन फिल्में करना चाहेंगे? अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा काफ़ी डिले हो गया है, मेरी 3-4 फिल्में हैं, और आपको इसी 15 डेज के अंदर सारे अनाउंसमेंट आ जाएंगे जो भी फिल्में हैं, और सब बड़ी फिल्में हैं, तो ये 15 जुलाई तक सारा अनाउंसमेंट आ जाएगा।